बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीमा सुरक्षा बल के बार बार अनुरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोई जानकारी नहीं दी। राज्य में चुनावी हिंसा में अभी तक 20 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में 5 गंभीर रूप से घायल होकर भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या के साथ जवाब दिया और स्थान या अन्य विवरण प्रदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 25 राज्यों के सीएपीएफ और राज्य सशस्त्र पुलिस के 59,000 सैनिकों का सुरक्षा कर्तव्यों में पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया। शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान राज्य भर में हुई हिंसा में कम से कम 20 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नादिया जैसे कई जिलों से बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नुकसान पहुंचाने और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें आई हैं। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था, और जहां जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, और जहां पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहां पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहां पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है, जिसमें एक जगह हमें दो एयर में फायर करना पड़ा और एक जगह स्टन ग्रेनेड का फायर किया, जिसके कारण लोग जो हैं वहां से वो भाग गए जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो सही तरीके से वहां पे हुआ है। एक जगह जहां बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और वहां पे बीएसएफ के ट्रुप्स थे तो वहां पे 5 आदमी को अप्रिहेंड किया और उनको पुलिस के हवाले किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां पर केंद्रीय पुलिस बल कल जो आए थे डिप्लॉयमेंट हुई है वहां पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। कल सुबह 11 बजे तक 59,000 ट्रुप्स जो हैं 649 कंपनीज वो इलेक्शन के लिए उपलब्ध थे, और जो टोटल 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं, जो ये डाटा हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है। तो जब 61,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे तो उसमें हर जगह सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो है उसके ट्रुप्स डिप्लॉयड नहीं हो सकते, क्योंकि जो संवेदनशील पोलिंग बूथ होते हैं उसके ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। कल जहां जहां पे संवेदनशील पोलिंग बूथ थे वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने यानी डीएम और एसपी के माध्यम से जहां जहां पे हमें बताया गया वहां वहां पे हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड थे, और जो संवेदनशील पोलिंग बूथ से ट्रुप्स बच गए उनको बाकी जगह पे डिप्लॉय किया गया।